नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्ट प्राइसिंग की। मैं ये बात करने वाला हूं कि इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे आता है। आप देखते हैं कि जाड़े के सीजन में जो टमाटर है वो 20 रुपए केजी बिकता है और फिर वो धीरे धीरे 80 का चला जाता है। अभी आपने 2 साल पहले देखा अरहर की दाल 250 रुपए केजी बिकी। तो एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस, चाहे ये मार्कर हो, पेन हो, ये जो है फैन हो, इसकी प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है और साथ ही साथ डिटरमिनेशन के साथ साथ उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं, इसी के ऊपर मैं करूंगा फोकस। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम देने का कर रहे हैं प्रयास। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कीमत निर्धारण किसी वस्तु का कैसे भी होगा, कैसे होगा, इसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है और दूसरा उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सप्लाई कैसी है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड का एनालिसिस हम कर लें और उसी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई का एनालिसिस कर लें तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी और साथ ही साथ उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, घटेगी या फिर किस तरीके से उसमें एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस को लेकर। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। पहले मैं पृष्ठभूमि में आपको बताऊं, पहले जब प्राइसिंग की बात हुई, प्रोडक्ट प्राइसिंग की, तो एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स थे, उनका मानना था कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस डिटरमिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है उसकी डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। लाइक एग्जांपल, आप नोएडा में, और नोएडा में फ्लैट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो फ्लैट की डिमांड बढ़ने की वजह से फ्लैट की प्राइस बढ़ जाएगी। अगर शादी के सीजन में बहुत ज्यादा पनीर की डिमांड शुरू हो जाए तो पनीर की प्राइसेज बढ़ जाएगी। किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ने लगे तो उसकी प्राइसेज बढ़ जाती है, ऐसा मानता था एक स्कूल ऑफ ग्रुप, एक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरे तरफ एक दूसरे इकोनॉमिक्स का ग्रुप भी था जो मानता था कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में उस वस्तु के डिमांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस वस्तु की सप्लाई। अगर किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उस प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाएगी। लाइक एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया कि नोएडा में बहुत ज्यादा जो है फ्लैट के प्राइसेज है, लेकिन अगर वही फ्लैट बहुत ज्यादा सीतापुर में बन जाए या फिर जो है रायबरेली में बन जाए या फिर गोरखपुर में बन जाए, तो वहां पे उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड नहीं है, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइसेज गिर जाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि कुछ कंपनियां, कुछ फर्म सप्लाई किसी प्रोडक्ट की ज्यादा करती हैं और उसके प्राइसेज गिर जाते हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल, जाड़े का सीजन चल रहा है, अभी आप देखेंगे धनिया 20 रुपए केजी हो जाएगा, वही धनिया जो 400 रुपए केजी था अब वो 20 रुपए केजी बिक रहा है। ऐसा इसलिए बिक रहा है क्योंकि धनिया का जो सप्लाई बहुत बढ़ गया है। वही आलू जो हम 50 रुपए केजी खरीद रहे थे अभी वो 10 रुपए केजी आपको एक महीने मिलेगा, इसका कारण ये है कि उसकी सप्लाई बढ़ गई। वही टमाटर जो हम 80 रुपए केजी खरीदे हैं वो आपको 10 रुपए केजी बिकने वाला है, उसका कारण सप्लाई बढ़ गई। तो दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो स्कूल का डिबेट था कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। तो एक मैंने कहा कि जो ग्रुप था वो कहता था कि किसी भी प्रोडक्ट के डिटरमिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है उस प्रोडक्ट का डिमांड, जबकि जो दूसरा थर्ड था वो कहता था कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग में इंपॉर्टेंट होता है उसकी सप्लाई। इसी के डिबेट में एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स वर्ग के सामने आता है जिनका नाम है मार्शल। मार्शल इस समस्या का समाधान करते हैं, वो आते हैं डायस पे और खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो डायस पे एक पेपर को उठाते हैं और उसको सीजर से काटते हैं। सीजर से काटने के बाद ये प्रश्न उठाते हैं कि इस पेपर को काटने में ये सीजर के अपर एज ने ज्यादा रोल प्ले किया है या फिर लोअर एज ने ज्यादा रोल प्ले किया है। इस जो है पेपर को काटने में, इस सीजर को काटने में, इस पेपर को काटने में सीजर के अपर रोल ने ज्यादा रोल प्ले किया या फिर लोअर एज ने ज्यादा रोल प्ले किया। लोगों ने कहा कि दोनों ने बराबर रोल प्ले किया। इसी बात पे मार्शल यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के डिटरमिनेशन में इंपॉर्टेंट सिर्फ डिमांड नहीं होता, इंपॉर्टेंट सिर्फ सप्लाई नहीं होती, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जब तक डिमांड और सप्लाई एक साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अंतर क्रिया नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं होंगे, तब तक प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी। इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट के प्राइस में ना तो इंपॉर्टेंट है डिमांड, ना तो इंपॉर्टेंट है सप्लाई, बल्कि दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी बात को आइए टेक्निकली मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से डिमांड और किस तरह से सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है और एक्चुअली प्रोडक्ट की प्राइस में फ्लक्चुएशंस कैसे आता है। तो आइए शुरू करते हैं डिमांड एनालिसिस किसी भी वस्तु की मांग। मान लीजिए कि मुझे एक मोबाइल फोन परचेज करना है, तो आइए मैं डिमांड करता हूं मोबाइल फोन की। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए डिमांड एनालिसिस, फिर हम लोग सीखेंगे सप्लाई एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस, मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट की डिमांड करनी है, डिमांड फॉर एक्स, और एक्स मेरा एक मोबाइल है, एक मोबाइल है, और मान लीजिए कि यह मोबाइल सैमसंग की मोबाइल है और मैं इसी सैमसंग के मोबाइल को, गैलेक्सी के मोबाइल को परचेज करना चाहता हूं। अब प्रश्न है कि इस डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या होंगे। तो इस प्रोडक्ट के, मोबाइल के डिटरमिनेंट जो होंगे वो होगा प्राइस ऑफ एक्स, इसी मोबाइल की कीमत क्या है, दूसरा आपकी इनकम क्या है, फिर आपका जो टेस्ट क्या है, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है जिसको पी जीरो कहेंगे, और अल्टीमेट एडवर्टीजमेंट का लेवल क्या है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स के जो डिमांड के डिटरमिनेंट है, निर्धारक है, वो किसी भी कंज्यूमर की इनकम, लेकिन सबसे पहले उसी प्रोडक्ट की प्राइस, टेस्ट कंज्यूमर का, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और एडवर्टीजमेंट ही। देखिए जब मैं यहां पे किसी वस्तु की मांग की बात कर रहा हूं, डिमांड फॉर गुड्स, तो सबसे पहले आइए मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि जब मैं डिमांड शब्द कहता हूं तो डिमांड का अर्थ क्या होता है। देखिए डिमांड में, किसी वस्तु की डिमांड में, किसी प्रोडक्ट की डिमांड में और उस प्रोडक्ट की इच्छा में अंतर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी प्रोडक्ट की डिमांड में और किसी प्रोडक्ट के इच्छा में फर्क होता है। जब हम कहते हैं किसी प्रोडक्ट का डिमांड, तो इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमारे पास एबिलिटी टू पे है। डिजायर टू पे अलग हो गया, मुझे वो वस्तु चाहिए, डिजायर टू पे, लेकिन एबिलिटी टू पे, क्या वो मेरे पास परचेजिंग पावर है जिसे मैं खरीद लूंगा। अगर बैकअप एबिलिटी टू पे से नहीं है, अगर उस वस्तु के खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं है, तो उस वस्तु की डिमांड का कोई मतलब नहीं होता है। डिमांड का मतलब है कि स्पेसिफिक प्राइस पे मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के काबिल हूं, मेरे पास इतनी परचेजिंग पावर है, इतने पैसे हैं कि मैं उसे खरीद लूंगा। एक गरीब व्यक्ति है और उसकी इच्छा है कि मैं जो है फॉर्चूनर से चलूं, उसे इच्छा है, हो सकती है, लेकिन ये उसकी इच्छा है, उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड तब होगी जब उसके पास 40 लाख रुपए आए और वो फॉर्चूनर की खरीदने के काबिलियत रखे और उसे परचेज के कर ले। तो इसलिए डिमांड जो है दोस्तों आपके इच्छा से अलग हो जाता है, क्योंकि डिमांड के दो कंपोनेंट है, एक जो है प्रोडक्ट का डिजायर और दूसरा है एबिलिटी टू पे, परचेजिंग पावर। तो अगर परचेजिंग पावर बैकअप नहीं कर रहा है, आपके पास उतने मनी नहीं है, तो फिर डिमांड जो है इच्छा रह जाएगा। डिमांड तब होता है कि जब उसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर हो। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की डिमांड मैं जब कर रहा हूं, ये सैमसंग की मोबाइल एक्स है जिसे मैं परचेज करने जा रहा हूं, तो इसकी जो डिमांड के डिटरमिनेंट्स होंगे वो पहला चीज होगा प्राइस ऑफ एक्स, इस सैमसंग मोबाइल की कीमत, दूसरा मेरी इनकम, फिर मेरा टेस्ट, फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मैं सैमसंग खरीदने जा रहा हूं तो मैं रेडमी को भी देखूंगा, लावा को भी देखूंगा, वीवो को भी देखूंगा, ओप्पो को भी देखूंगा, रियलमी को भी देखूंगा, ये भी मैं देखूंगा, और फिर एडवर्टीजमेंट क्या है इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो पांच डिटरमिनेंट्स हैं इस प्रोडक्ट के डिमांड के, लेकिन माना जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स होता है वो डिमांड का, वो होता है पी एक्स। अगर इन चार तत्वों को, मेरे इनकम को, टेस्ट को, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और ए को, एडवर्टीजमेंट को, हम कांस्टेंट मान लें, रिमेन सेम मान लें, कांस्टेंट मान लें, स्थिर मान लें कि ये बदल नहीं रही है, तो माना जाता है या फिर एक्चुअल में है ऐसा कि डिमांड फॉर एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, कि किसी वस्तु की जो मांग है उस वस्तु के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जो दोनों के बीच रिलेशन है वो प्रोपोर्शनेट का है, उल्टा है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो मैं उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करूंगा, और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी तो मैं उसी प्रोडक्ट का डिमांड जो है अपने आप कम कर दूंगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध है वो एक विपरीत संबंध है, एक इनवर्स रिलेशन है, एक निगेटिव रिलेशन है,
जिसको हम इंग्लिश में इनवर्स रिलेशन कहेंगे या फिर जो है क्या कहेंगे, हिंदी में विपरीत संबंध कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर किसी प्रोडक्ट के कीमत में कमी आती है तो उस प्रोडक्ट के मांग में वृद्धि हो जाती है, और अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में वृद्धि होती है तो उस प्रोडक्ट की मांग कम हो जाती है। सीधा से एग्जांपल है, जब टमाटर 80 रुपए केजी था तो पापा एक ही पाव लाते थे, अब टमाटर जब 10 रुपया केजी होगा तो बिना कहे 2 केजी उठा के लाएंगे। सीधी सी बात है, मम्मी कहती है टमाटर फ्रिज में पड़ा हुआ है फिर भी टमाटर उठा लाए, इसलिए कहती है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। तो यही बात कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट की डिमांड में और प्रोडक्ट के प्राइस में जो रिलेशन है इसको उल्टा रिलेशन कहा गया। इसी को बेसिकली हम मार्शल का लाफ डिमांड भी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मार्शल का लाफ डिमांड ये कहता है कि अन्य चीजें अगर स्थिर बनी रहे, अन्य चीजें का मतलब अगर आपकी इनकम, आपका टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और एडवर्टीजमेंट में कोई बदलाव न हो, तो किसी वस्तु के कीमत और वस्तु के मांग में उल्टा संबंध होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट प्राइसेज एंड प्रोडक्ट डिमांड। इट मीन टू से इफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हाई ड्यू टू दिस प्राइस ऑफ डिमांड फॉर एक्स विल बी लो, और अगर प्राइस ऑफ एक्स विल लो देन डिमांड फॉर एक्स विल हाई। तो सिंपल मार्शल का लाफ डिमांड ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की मांग के बीच जो संबंध है वो उल्टा है, विपरीत है। वस्तुओं की कीमत घटने पे मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पे मांग घट जाती है। तो मार्शल के लाफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम डिमांड कर्व यहां पे हम खींचना चाहें दोस्तों, तो जो डिमांड कर्व हमारा बनेगा वो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है डिमांड फॉर एक्स, और यहां पे हम प्राइस ले ले, कीमत ले ले, और यहां पे उस प्रोडक्ट की उत्पादन या क्वांटिटी ले ले। तो आप देखिए ये होगा कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, देखिए अगर ये P3 है तो डिमांड सिर्फ X1 की होगी, अगर कीमत घट गई P2 हो गई तो इसकी जो है डिमांड बढ़ के X2 हो जाएगी, और कीमत और भी घट गई P3 हो गई तो ये जो बढ़ के X3 हो जाएगी। इसका मतलब आप देख रहे हैं जो ये डिमांड कर्व है, इसको हम मांग वक्र कहेंगे, डिमांड कर्व ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसका जो स्लोप है दोस्तों आप देख रहे हैं ये निगेटिव स्लोप है। ये क्या है स्लोप? निगेटिव स्लोप है। निगेटिव स्लोप ये दिखाता है कि अगर कीमतें ज्यादा हैं तो मांग कम होगी, और कीमतें कम हो गई तो मांग ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कीमत के घटने और बढ़ने से जो क्वांटिटी है वो प्रभावित हो रही है, कीमत बढ़ रहा है क्वांटिटी की डिमांड हम कम कर रहे हैं, और कीमत घट जा रही है क्वांटिटी की डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्शल का लाफ डिमांड समझ में आ गया होगा। मार्शल का लाफ डिमांड ये बताता है कि अगर अन्य चीजें स्थिर बनी रहे, अन्य चीजों का मतलब आपकी इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर स्थिर बने रहे तो प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड में होता है इनवर्स रिलेशन। मेरा एक फ्रेंड लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में PCS का इंटरव्यू देने गया था, उससे एक मजेदार सवाल पूछा गया। उस सवाल को मैं आपसे पूछता हूं और मैं देखता हूं कि क्या आप उसका जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट करिएगा कि क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि गर्मियों के दिन में रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ जाती है, या फिर जब वर्ल्ड कप आता है तो कलर टेलीविजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में मार्शल के लाफ डिमांड के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि उस प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पूछा गया इंटरव्यू परीक्षा में मेरे दोस्त से कि गर्मी के दिनों में रेफ्रिजरेटर की डिमांड बढ़ जाती है, वहीं वर्ल्ड कप में रंगीन टेलीविजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो मार्शल के लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बताइए कि उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? कमेंट करिए, मैं बता दूं, सोचिए, सुनिए। मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मार्शल ने बताया था कि जो प्राइस है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिमांड है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कीमत के घटने बढ़ने पे डिमांड घटता या बढ़ता है। कीमत बढ़ गई डिमांड घट गई, कीमत कम हो गई डिमांड बढ़ गई। क्वेश्चन क्या पूछा बोर्ड ने, मजेदार इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि डिमांड बढ़ गई गर्मी में रेफ्रिजरेटर की, आप समझ रहे हैं, या फिर यह पूछा कि वर्ल्ड कप में रंगीन टेलीविजन, कलर टेलीविजन की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस पे क्या।
मार्शल का लाभ डिमांड यहां अप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्शल जो कहते हैं कि प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटेगी, डिमांड के घटने बढ़ने पर प्राइस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मार्शल नहीं कहते हैं। तो इस जबकि वो मेरा दोस्त इस क्वेश्चन में फंस गया, अच्छा इकोनॉमिक्स का जानकार, आपको ये बताना पड़ेगा कि मार्शल का लाभ डिमांड इस पे अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मार्शल जो है प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और बताते हैं कि डिमांड उससे, प्राइस से डिमांड प्रभावित होती है। आपने क्वेश्चन को पलट दिया, आपने कहा डिमांड बढ़ गई तो प्राइस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्शल इसको नहीं बताते हैं। तो दोस्तों जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, अब जरा आइए आगे मैं बात कर लूं। मैंने यहां तक ये बताया कि डिमांड फॉर एक्स डिटरमाइंड बाय पीएक्स और पीएक्स और डीएक्स में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन आप यहां भी आइए, अगर पीएक्स को हटा के आप वाई सोचिए तो इनकम से भी आपका डिमांड प्रभावित होता है। हम लोग तो महंगो मैन है, आम आदमी, जब मुझे कोई चीज खरीदना होता है तो दौड़ के जाता हूं, प्राइस टैग देखता हूं, और आप भी यही करते हैं कीमत की अकॉर्डिंग। अगर आप गए और एक जैकेट बहुत अच्छा पसंद आया और कीमत देखे 9000 रुपए का, ठेट तरीके जिस दिन पीसी और आगे बनूंगा तुमको ही सबसे पहले खरीदूंगा। आप समझ रहे हैं, प्राइस को देखते हैं, प्राइस ज्यादा तो नहीं परचेज करते, लेकिन अगर अहोभाग्य उसी समय जो है सलमान खान आ जाए, अक्षय कुमार आ जाए, तो क्या उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, इनकम से भी डिमांड प्रभावित होगा। ज्यादा इनकम है चीजें मैं परचेज कर सकता हूं, कम इनकम है नहीं परचेज करूंगा। तो इनकम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है डिमांड फॉर एक्स का। ऐसे ही आपको मैं बताऊं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, टेस्ट के विषय में बात करूंगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे सैमसंग गैलेक्सी परचेज करना है और कीमत है 20,000, मैं गया और मुझे लगा कि ओप्पो सस्ता में अच्छा दे रहा है, वीवो सस्ता में अच्छा दे रहा है, या फिर कोई और दे रहा है। तो कई बार आप होता है कि आप परचेज करने जाते हैं कुछ दूसरा प्रोडक्ट, परचेज करके लाते हैं कुछ दूसरा प्रोडक्ट। पापा को एक कार खरीदनी है, बहुत दिन से सोचे थे बैगनार खरीदेंगे और बैगनार नहीं खरीद के i20 खरीद के लेके चले आते हैं। आप हमेशा उसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट की प्राइस का भी कंपेरिजन करते हैं डिमांड के लिए। और एडवर्टीजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट और टेस्ट। आइए टेस्ट की पहले बात करूं। कुछ लोग अपने टेस्ट से इतना ज्यादा बधे होते हैं ना कि टेस्ट के आगे कुछ भी नहीं, ना प्राइस ना इनकम। मेरे साथ एक मेरे कलीग है, वो मुफ्ती के शर्ट पहनने के एकदम से दीवाने। एक दिन खुजली कर रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ सर, वो कहे कि आज मुफ्ती की शर्ट नहीं पहना, खुजली हो रही। आप समझ रहे हो, साइकोलॉजिकल खुजली। आपका टेस्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझिए इस बात को, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के आप जो है अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं। मेरे पापा के फ्रेंड, मैं गया मिले, बोले कि आपको मैं बताऊं ये क्रीम है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इसको जलने पे कटने पे कहीं भी लगाइए काम करता है। तो आप जरा बताइए, कुछ लोग अपने प्रेफरेंस के आगे नहीं जाते हैं, कुछ लोग अपने प्रेफरेंस के आगे नहीं जाते हैं, टेस्ट के आगे नहीं जाते। तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छा है, प्राइस कुछ भी हो आप वही परचेज करते हैं। इसी तरह देखिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कई बार चीजों को एड देख के परचेज करते हैं। मेरे भतीजे हैं अस्थमा के मरीज हैं, सलमान खान का प्रचार देखेंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं, जाके तूफानी करके आते हैं, खांसना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, एड। जुपिटर ने महानायक अमिताभ बच्चन से एड कराया, धुआंधार सुपरहिट। तो आप समझते हैं एड भी डिमांड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट फॉर डिमांड इज प्राइस ऑफ एक्स। ये सबसे ज्यादा है और इसके बीच जो संबंध है मैंने कहा इनवर्स है, और इस तरह की डिमांड का हमारे सामने आती है। तो ये रहा दोस्तों डिमांड एनालिसिस। आइए फिर से जल्दी से आ जाते हैं सप्लाई एनालिसिस के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग में डिमांड तो है ही, डिमांड के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट उसका घटक है वो है सप्लाई। और किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई, आप यहां पे सप्लाई ऑफ एक्स ले लीजिए, और यहां भी वही सैमसंग मोबाइल के एग्जांपल में ले रहा हूं, इसकी सप्लाई डिटरमाइन करेगी फिर प्राइस ऑफ एक्स, सप्लाई ऑफ इनपुट प्लस टेक्नोलॉजी के लेवल पे। तीन चीजें हैं जो सप्लाई ऑफ एक्स डिटरमाइन करती है। किसी वस्तु का उत्पादन कितना होगा, पूर्ति कितनी होगी, पहले चीज उसी वस्तु की कीमत कितनी है, दूसरा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कितनी है, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या है। तीन चीजों से डिटरमाइन होती है। लेकिन जो सबसे पावरफुल डिटरमिनेंट है किसी प्रोडक्ट के सप्लाई में, तो सप्लाई फॉर एक्स आल्सो डिटरमाइंड बाय पी एक्स, जबकि ये दोनों तत्व कांस्टेंट बने रहे। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एस एक्स भी पी एक्स से डिटरमाइन होती है और डिमांड फॉर एक्स भी प्राइस ऑफ एक्स से डिटरमाइन होती है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है
डिमांड फॉर एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स में अंतर यह है कि यह प्रोपोर्शनली रिलेशन टू पी एक्स है। अगर हम प्राइस ऑफ एक्स को बढ़ाएं तो सप्लाई ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, और प्राइस ऑफ एक्स को घटाएं तो सप्लाई ऑफ एक्स घट जाएगी। इसका मतलब जो वहां निगेटिव रिलेशन था, यहां पे आप देख रहे हैं दोनों में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे कैसे सीधा संबंध है। मान लीजिए कि कोई चीज है, मान लीजिए कि मैंने एक बुक लिखी और उस बुक की बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने लगे, तो मैं और सप्लाई को बढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे फायदा होगा। आलू की जो है प्राइस बढ़ने लगी, जल्दी जल्दी लोग बनाएंगे। सैनिटाइजर की देखिए क्या हुआ, सैनिटाइजर की प्राइस बढ़ने लगी, कितनी सैनिटाइजर कोविड में बन गए। मास्क आपने देखा प्राइस बढ़ने लगी, कितना लोग मास्क बना ली। पॉजिटिव रिलेशन है, वहां डिमांड में निगेटिव था, कीमतें घट जा रही बढ़ जा रही थी, हम डिमांड घटा दे रहे थे। यहां देखिए जब एनालिसिस करते हैं, और ध्यान से समझने वाली बात यह है कि डिमांड एनालिसिस हम कंज्यूमर के लिए करते हैं। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, डिमांड एनालिसिस हम करते हैं कंज्यूमर के लिए, सप्लाई एनालिसिस हम करते हैं प्रोड्यूसर के लिए। कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। इसलिए जो प्राइस है कंज्यूमर के लिए एक उल्टा है, कीमत बढ़ने पर डिमांड घटाएगा, लेकिन सप्लाई के लिए वो सीधा है, कीमत बढ़ने पर प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा। तो यहां पर अगर हम सप्लाई कर्व दोस्तों ड्रा करें तो हमारा जो सप्लाई कर्व होगा ये पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ उठता हुआ होगा, और यहां पे प्रोडक्ट की प्राइस आप लिखिए और यहां पे फिर क्वांटिटी सप्लाई जब करेंगे तो इस तरह का देखिए आपको पॉजिटिव चीजें मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व दिखाता है कि अगर P1 प्राइसेज है तो सप्लाई X1 कर रहा है, और ज्यादा P2 प्राइसेज हुई तो सप्लाई बढ़ा के X2 किया, और ज्यादा कीमत बढ़ के P3 हुआ तो सप्लाई बढ़ा के X3 किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत के बढ़ने पर सप्लाई आपका बढ़ रहा है, जबकि डिमांड में इसका उल्टा था। इसका मतलब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग या फिर पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। अगर आप डिमांड और सप्लाई दोनों को समझ गए तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, अकॉर्डिंग टू मार्शल इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए और डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन करते हैं और सैमसंग गैलेक्सी की प्राइस को डिटरमाइन कर देते हैं। आइए, सैमसंग गैलेक्सी का हमको डिमांड भी पता लग गया और हमको सप्लाई भी पता लग गया। तो अब आइए, हमारे लिए हो गया बहुत आसान, ये हुआ डिमांड और ये हुआ सप्लाई, ये हुआ डिमांड फॉर सैमसंग, ये हो गया सप्लाई फॉर सैमसंग। जहां एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी कीमत यहीं पे निर्धारित हो गया 20,000 रुपए 20 के, और ये हो गई क्वांटिटी डिटरमाइन। अब जरा देखिए, अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ जाए सैमसंग की, क्योंकि आपने देखा कि चाइनीज कंपनियों के प्रति लोगों में द्वेष आया, सैमसंग का डिमांड एकदम से बढ़ गई। जब सैमसंग का डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड, और जब ये राइट वर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो आप देखिए क्या हुआ, इसकी प्राइस बढ़ के तुरंत हो गई 25,000 हो गई। ऐसे ही आलू के भी ले सकते हैं, आलू की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर डिमांड फॉर S1 से डिमांड फॉर S2 हो जाएगी तो आलू की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब डिमांड और ज्यादा डिमांड बढ़ा दीजिए, और डिमांड बढ़ाएंगे तो और आप देखिए इसकी प्राइसेज बढ़ जाएंगी। लेकिन उल्टा अगर डिमांड घट जाए DS3, अगर मान लीजिए DS से डिमांड घट गया, कई बार लोगों को लगा कि कोई बात हो गई इस प्रोडक्ट को नहीं, अभी आपने देखा ना कोविड में चिकन 10 रुपए केजी बिक गया, क्यों, डिमांड एकाएक घट गई, फटाक से घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि लोगों में डर था, डिमांड था S1 से गिर के DS1 हो गया, और तुरंत ये क्या हुआ, प्राइसेज गिरने लगा, और भी डिमांड घटा और प्राइसेज गिरने लगा और 10 रुपए तक आ गया। इसका मतलब अगर डिमांड घट जाए सप्लाई के दिए होने पे तो प्राइसेज क्या होती है, घट जाती है। और अगर डिमांड जो है आपका दोस्तों, डिमांड जो है बढ़ जाए तो सप्लाई के दिए होने पे प्राइसेज बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिए, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, उत्तर है इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ। सप्लाई के दिए होने पर अगर डिमांड बढ़ जाए, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए सप्लाई दिया हुआ है और डिमांड बढ़ जाए तो प्राइसेज बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई के दिए होने पर डिमांड घट जाए तो प्राइसेज आपकी घट जाएंगी। इसका मतलब अगर सप्लाई भी चेंज हो जाए और डिमांड भी चेंज हो जाए तो प्राइस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। लाइक एग्जांपल, जाड़े के दिनों में, खूब ध्यान से सुनिएगा, एक इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, जाड़े के दिनों में क्या हो गई, सप्लाई टमाटर की बढ़ गई, तो टमाटर की सप्लाई बढ़ने से टमाटर क्या हो गया, सस्ता हो गया। लेकिन जाड़े के दिनों में तो आप देखते हैं टमाटर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले पापा एक पाव खरीदते थे, जाड़े तो 2 केजी लेके आते, तो डिमांड भी बहुत बढ़ा है। यहां पर देखिए टमाटर के जाड़े में सप्लाई भी बहुत बड़ी है और डिमांड भी बड़ी है, लेकिन डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ी है, प्राइसेज गिर गया। आप समझ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई का इंटरेक्शन। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कब बढ़ेगी, जब सप्लाई के तुलना में डिमांड ज्यादा बढ़ जाए। कीमत कब घटेगी, जब सप्लाई के तुलना में डिमांड घट जाए।
अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो कीमत घटेगी। डिमांड घटे और सप्लाई भी बहुत घट जाए तो कीमत उल्टा बढ़ जाएगी। अगर डीजल पेट्रोलियम का डिमांड घट जाए और सप्लाई और भी घट जाए, जैसे गोल्ड का देखिए, गोल्ड इसमें बहुत महंगा है, डिमांड भी घटी हुई है, सप्लाई भी घटी हुई है, महंगा होता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा आपको बहुत क्लियर कर समझाने के लिए कि डिमांड शिफ्ट कैसे होता है, सप्लाई शिफ्ट कैसे होता है। लेकिन एक चीज इस लेसन को हमेशा तैयार रखिएगा कि अगर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो आप वैल्यूएबल हो जाएंगे, और अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपकी कीमत घट जाएगी। इस थ्योरी को अपने जीवन में उतारिए। कुछ ऐसा करिए कि आपकी डिमांड बढ़ जाए, सब लोग चाहें कि आप मुझसे मिलें, आपसे बात करने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि चारों तरफ हो, आपको कोई पूछे नहीं। कुछ अंदर क्वालिटी लेके आइए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।